हेलो बच्चा पाड़ी, दिस इज़ स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। देखो यार, स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सभी बच्चे दोबारा परेशान हैं, बहुत परेशान हैं कि भैया डेट्स का रिलेटेड प्रॉब्लम से अभी तक कोटा तक का जो लिस्ट था उसका भी पता नहीं चल रहा है, सीट्स भी हटा रखी है लोगों ने, और साथ साथ बहुत सारे कमेंट भी आई है, भैया मैंने तो एडमिशन ले रखा है, मेरा होगा कि नहीं, प्री रजिस्टर नहीं किया, वो सब सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर नए हो तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपसे आग्रह है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, अब देखो आज की इस वीडियो का क्या एम है, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो पॉइंट वाइज हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बच्चे ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मुँह ही नहीं देखा, कभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर नहीं कर रखा है उसने, कभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्म नहीं भरा, मतलब समझ रहे हो कि यूजी में उसने कभी शुरुआत में नहीं कर रखा है, तो क्या वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है स्पॉट में? ठीक है, क्या है आखिर स्पॉट की एलिजिबिलिटी स्पॉट एडमिशन लेने की, पॉइंट नंबर वन ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि क्या भैया स्पॉट एडमिशन का डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, कुछ नोटिस है क्या आपके पास, या फिर स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, कब तक होगा? ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट आया है सब बच्चों का कि भैया मैंने एडमिशन ले रखा है, अच्छा खासा कॉलेज है, लेकिन कुछ कारणों से मैंने अभी मेरे दिमाग में एक फितूर आया है कि मैं स्पॉट एडमिशन में नाम ले करके कोई दूसरा कॉलेज ले लूँ, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से। सबसे पहले आपको मेरा अनुग्रह है कि देख लो यार, अगर टाइम है तो बैठ कर देखो वीडियो, नहीं टाइम है तो अभी स्किप कर करके मत देखना। ठीक है, बाद में जब तुम्हारे पास टाइम होगा बैठ के इत्मीनान से वीडियो देख लेना, क्योंकि यार पहले भी बता देता हूँ मैं अपनी वीडियोस में किसी भी प्रकार की फालतू बकवास नहीं करता हूँ, काम की बातें आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जो सही चीज़ है वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखो, स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड सबसे पॉइंट नंबर वन कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ जाओ, बहुत सारे आधे से ज़्यादा डाउट तो आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत कुछ बचता है तो आप कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल तो पॉइंट नंबर वन है कि अगर मैंने प्री रजिस्टर नहीं कर रखा है, मतलब कि कभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, कभी मैंने यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, कभी भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर मैंने आके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो कैसे होगा मेरा एडमिशन? क्योंकि अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो ये जो सेक्शन जो एडमिशन पोर्टल का, इसके ऊपर जब मैं आता हूँ तो आने के बाद मेरे से यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है, जो कि मेरे पास है नहीं, मैं कैसे रजिस्टर कर पाऊँगा स्पॉट के लिए? ठीक है, तो देखो यार, स्पॉट एडमिशन के दौरान कम्प्लीटली एक न्यू लिंक, एक फ्रेश हाइपर लिंक आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आपको नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, नया प्रोसेस होगा एडमिशन का पूरा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा पहले से रजिस्टर नहीं कर पाया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, पहले से उसने कभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, या पहले कभी उसने किसी लिस्ट में नाम नहीं आया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। स्पॉट एडमिशन बनाया ही इसलिए गया है कि अगर कोई बच्चा किसी भी कारणवश छूट गया है तो उसका साल बर्बाद ना हो, किसी भी तरह से उसका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको फ्रेश लिंक मिलेगा, फ्रेश हाइपर लिंक रहेगा, सारी चीज़ें पूरा पोर्टल न्यू रहेगा, आप वहाँ पर जाकर नए बच्चे के तौर पे, न्यू एप्लीकेंट के तौर पे, फ्रेश एप्लीकेंट के तौर पे रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है यार, सब कुछ नया रहेगा, फ्रेश रहेगा, जो अभी तक नहीं रजिस्टर किया है वो कर सकता है, दोबारा से आपको पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू था हमारा कि अगर कोई बच्चा पॉइंट नंबर टू हमारा ये था कि स्पॉट एडमिशन की डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, एक पहले मैं आपको कुछ तीन चार नोटिस हैं उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब देखो, ये बीटी कॉलेज का नोटिस है। ठीक है, याद करो यार, जब स्कूल में ऐसा नोटिस आया करता था कि भाई छुट्टी है, आवश्यक सूचना, छुट्टी का नोटिस, तो कितने खुश हो जाता था, मन कितना खुश हो जाता था। लेकिन अभी इस केस में जो बच्चों को देखने को मिला ये नोटिस, तो बहुत सारे बच्चे दुखी हो गए हैं। क्यों दुखी हो गए भैया? भैया स्पॉट एडमिशन की डेट थी 27 तारीख, और 27 तारीख को बहुत सारे कॉलेजेस में छुट्टी है, मतलब लगभग पाटलिपुत्र के सभी कॉलेज में छुट्टी है। अब डेट कितनी एक्सटेंड होगी, कब तक एक्सटेंड होगी? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, तो देखो यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि 27 तारीख को हमारे पास स्पॉट का एडमिशन का डेट आया हुआ था, स्पॉट पाटलिपुत्र ने रखा है कि 27 तारीख को होगा। ठीक है, अब बच्चे का सवाल है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि भैया 27 तारीख को तो बंद है कॉलेज, लगभग सभी कॉलेज, देखो जैसे टीपीएस ने भी यहाँ पर नोटिस निकाल रखा है 23 से 27 तक की दुर्गा पूजा के अवसर पर छुट्टी, उसी प्रकार कॉमर्स ने भी नोटिस निकाल रखा है कि 23 से 27 तक दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में छुट्टी। तो बहुत सारे कॉलेजेस, जब अगर लगभग सभी कॉलेज 27 तारीख तो बंद हैं, तो स्पॉट एडमिशन आखिर कैसे शुरू होगा? ठीक है, बच्चों का सवाल है कि स्पॉट कैसे शुरू होगा, स्पॉट की डेट थी 27 को तो सारे कॉलेजेस बंद हैं, हम क्या करें? ठीक है, अब देखो, इसका सवाल का जवाब बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखो,
क्या स्पॉट एडमिशन के लिए तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। क्या स्पॉट एडमिशन के लिए तुम्हें कॉलेज जाकर के कोई परमिशन स्लिप लेके आनी होगी? बिल्कुल नहीं। स्पॉट एडमिशन के लिए क्या तुम्हें कॉलेज जाकर के कुछ लिखित एप्लीकेशन देना होगा? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कॉलेज जाके एप्लीकेशन जमा करना होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं तो 27 तारीख हो चाहे 28 तारीख हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे हॉलीडे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें पता है कि अगर जब हम फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरने के टाइम में चाहे कोई संडे आ जाए, चाहे मंडे आ जाए, चाहे कोई हॉलीडे हो, चाहे वीकेंड हो, कुछ भी हो, हम फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। तो फिर टेंशन लेने वाली बात क्या है? अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी डेट नहीं चेंज करती है, कोई अपडेट नहीं देती है, फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर अपडेट आएगी तो मैं दे दूँगा, फिर चिंता मत करो। फिलहाल सीनरियो ये है कि 27 तारीख को इन्होंने कह रखा है कि हम स्पॉट शुरू करेंगे। तो स्पॉट अगर 27 को शुरू करने वाले हैं तो टेंशन लेने वाली क्या बात है? सारी चीज़ें तो ऑनलाइन होनी है, घर से होनी है, साइबर कैफे से होनी है, क्यों टेंशन लेना है? आप कहीं से भी कर सकते हो। कॉलेज जाने की तो ज़रूरत है नहीं कि कॉलेज खुला है या बंद है इससे हमें परेशान होना होगा, ठीक है? तो जितने भी बच्चों ने पूछा था कि भैया स्पॉट एडमिशन कैसे लेंगे, 27 तारीख को तो सारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो उनके लिए सवाल का जवाब यही है कि 27 तारीख से बंद हो, कुछ कोई टेंशन नहीं लेना है। जब भी स्पॉट एडमिशन शुरू होगा, फिलहाल तो डेट है 27, ठीक है, फेज़ वन की डेट है 27 और फेज़ टू की डेट है 4 नवंबर, ठीक है? तो जो भी 27 तारीख से अगर शुरू हो जाता है तो आप ऑनलाइन लेना है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि चाहे कॉलेज खुला हो चाहे बंद हो, उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? अब देखो यार, एक छोटा सा पॉइंट और कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया स्पॉट एडमिशन में मेरा एडमिशन पहले से हो चुका है किसी कॉलेज में, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ नहीं पढ़ता है इसलिए मेरे को वहाँ नहीं पढ़ने का मन है, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा नहीं है इसलिए मेरे को वहाँ पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है इसलिए मेरे को वहाँ पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है? या फिर कुछ, ये तो जैसे लेम एक्सक्यूज़ हो गए, कुछ सीरियस एक्सक्यूज़ भी हैं, जैसे कि भैया मैं उस कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन मेरा नाम वहाँ आ गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन लूँ, या फिर कुछ लेम एक्सक्यूज, कुछ मतलब सीरियस एक्सक्यूज़ ऐसे भी हैं कि भैया ये कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, मैं किसी और स्टेट में, मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, किसी कारणवश मेरा इस कॉलेज में नाम आ गया लेकिन मैं अब एडमिशन ले चुका हूँ प्रेशर में आके, तो क्या मैं दूसरा कॉलेज स्पॉट में अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो, इसके लिए बहुत ही सीधा सपाटा सा जवाब है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कहावत आपने सुन रखी होगी, ये वही सीध से नहीं हो जाएगा, ठीक है? आप एडमिशन तो ले लोगे, समझ रहे हो, आपने एडमिशन ले रखा है, एडमिशन लेने के टाइम याद करो आपने क्या क्या जमा कर दिया, अपना CLC ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल, अपना माइग्रेशन जो आपको छोटा सा स्लिप मिला था वो भी आपने ओरिजिनल ही जमा कर रखा है। अब ये दो चीज़ें जो आपने ओरिजिनल जमा कर रखी हैं तो इसका मतलब जब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपसे भी वहाँ पे भी ये दो चीज़ें मांगी जाएंगी, तो वहाँ पे अगर आपको ये दो चीज़ें जमा करनी है तो यानी कि पिछले कॉलेज से आपको ये दो चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी। अगर आपको पिछला कॉलेज ये दो चीज़ें निकलवा करके आपको दे देता है तो आप कोशिश कर सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोशिश कर सकते हो कि आप एडमिशन ले लो नए कॉलेज में। अगर इस कॉलेज से छूट गए, ठीक है, तो गारंटी नहीं है कि आप, अगर मान के चलो कि कोई अगर बच्चा BD से निकलना चाह रहा है TPS या फिर AN के लिए, TPS के लिए तो कोई नहीं जाएगा, खैर BD से निकल के AN में जाना चाह रहा है, तो गारंटी नहीं है कि BD से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार निकलवा भी लिए तो आपको AN मिल ही जाएगा, समझ रहे हो सकता है AN ना मिले, TPS पे पचड़ा फंस जाओ, या फिर हो सकता है RKD मिल जाए या कोई और कॉलेज मिल जाए, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप दोबारा स्पॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट निकलवा लो तो आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि आपका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, समझ रहे हो? फिर दूसरा रिस्क फैक्टर ये भी है कि आपको सब्जेक्ट आपका जो चुना आपने वो मिलेगा या नहीं, तो ये सारे टेंशन वाली बात है। इसलिए मेरी सलाह, मैं अपनी तरफ से सलाह दूंगा कि अगर आपका एडमिशन हो गया है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी स्पॉट एडमिशन के चक्कर में मत रहो। लेकिन अगर हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज हैं और कोई भी सब्जेक्ट लेने को तैयार हो या किसी भी कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने को तैयार हो, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो ही इस लाइन में जाना, वरना एडमिशन जहाँ ले रखे हो वहाँ आसानी से सिंपली से पढ़ो, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिलहाल कोई खास अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आती है स्पॉट के रिलेटेड मैं पूरी वीडियो बना दूंगा डिटेल और आपको वीडियो मिल जाएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।